वही बस में आप ट्रेवलिंग करते हैं ना, हर एक बस स्टॉप पर आपको पूरा डिटेल बताएं कि हाँ बस में कैसे कैसे क्या यूज किया जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में हम आपको बताएंगे जो दुबई का गवर्नमेंट बस है, इस बस में हम कैसे ट्रेवलिंग किया जा सकता है या यहाँ से दूसरे जगह कैसे जाते हैं लोग। तो पूरा डिटेल बताएं कि हाँ बस में कैसे कैसे क्या यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो आपको एक कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है, जो कि ये है गवर्नमेंट कार्ड है, इससे आप कहीं भी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। ये कार्ड अगर आपके पास रहेगा ना, तो बहुत कम खर्चा में आप पूरा अच्छा तरीके से घूम सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। नहीं तो ऐसे तो यहाँ पे टैक्सी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। हालांकि हम टैक्सी में भी ट्रेवलिंग किए हैं, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, बट ये आपके पास कार्ड रहेगा तो बहुत कम पैसा लगेगा और पूरा अच्छा तरीके से आप घूम भी सकते हैं। 25 दरम बैलेंस होना चाहिए, 25 दरम का हम ये कार्ड लिए थे और बस स्टॉप पर मिल जाता है आपको ये कार्ड, या कोई मॉल में मिल जाएगा। 25 दरम का ये कार्ड लिए थे हम और इसमें बैलेंस आया था 19 दरम बैलेंस आया था। इससे हम ट्रेवलिंग थोड़ा सा किए हुए हैं और अभी इसमें पैसा है, तो आज हम इस ब्लॉग में आपको पूरा अच्छा तरीका से दिखाएंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो अभी चलते हैं और कपड़ा पहनकर उसके बाद चला जाता है। आप सबको तो पता है कि अभी हम DIP1 में हैं, तो आज DIP1 से हमको जाना है जबलली, जो सीमेंट फैक्ट्री है वाइट केम की तरफ, उधर जाना है। और हाँ जी, ये तो कार्ड आपके पास होना ही चाहिए और एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, वो है आपके ID कार्ड, जो कि यहाँ पर अगर आप कहीं भी घूमते हैं तो अगर सुटता हुआ आपको पकड़ेंगे लो तो ID आपके पास रहेगा तो सही रहेगा। ID आप दिखा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर तो नॉर्मल सभी किसी के पास पासपोर्ट रहता नहीं है, तो ID आप अपने पास रखिए और उसके बाद ये कार्ड है इसको लीजिए और उसके बाद घूमने के लिए निकल चलिए। और एक चीज़ और आपके पास होना चाहिए, वो है लोकेशन। देख सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है, तो आप लिखिएगा तो सब आपको बता देगा कि इतना नंबर बस में आपको बैठना है। तो गाइस चलते हैं, अभी हम एक शॉर्ट पहनते हैं, उसके बाद यहाँ से चला जाता है सामने बस स्टॉप जो अलमदीना है उधर है। इस कार्ड को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, इसमें बैलेंस भी चेक करना रहता है और बस में बैठने से पहले भी इसको स्कैन करना पड़ता है, तो वो सब भी आपको दिखा देंगे। ओके गाइज, अभी रेडियो हो चुके हैं लो और चला जाता है बस स्टैंड के पास, वहाँ पे चलकर उसके बाद देखा जाएगा कौन सी बस जाता है यहाँ से, वो बस बैठा जाएगा उसके बाद चला जाएगा। और मेरे साथ में दो आदमी जा रहे हैं, लोग एक इधर है और एक उस साइड में। इन लोगों को जाना है पार्कों की तरफ और हमको जाना है वाइट कैंप की तरफ। जी आ चुके हैं लोग बस स्टॉप पर, इधर सामने रही बस, और अभी ज़्यादातर यही बस देखने को मिल रही, रेड वाला नहीं मिल रही है, हालांकि इधर कार्ड उठाते ये सब देख लेते हैं। See it on my face, I made up my mind, not another day, you're on borrowed time, let me get away, yeah I'm running, yeah I'm running, so love me or leave me, I'm standing alone, can't shake a feeling that lives in my bones, lie to me, tell me you wish that you... मेरे अकाउंट में 13 दरम था, फिर 10 दरम डाल दिए, 23 दरम हो गया। और ऐसे कुछ रिचार्ज करते हैं लोग, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है कौन सा बस कहाँ पे जाएगी, बस नंबर 47 है, चला जाता है 47 में जी, 47 नंबर बस आ गई और अब इसमें चला जाता है हम, चलिए चलिए। ओके जी ये जाएगा, तो अब हम लोग इसमें चलते हैं लोग, स्कैन यहाँ पे
गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं लोग। ओके गाइस अभी आ चुके हैं लोग मैंगो हाइपर मार्केट के पास। बट यहाँ पर आए हमको लोकेशन उतना समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी थोड़ा बहुत जब ध्यान दिए तो देख रहे हैं सेंट्रल हाइपर मार्केट लिखा था और यहाँ पे मैंगो लिखा था, तो फिर सोचे यही है। यहाँ पे तो बहुत आए हैं बट तब भी लोकेशन थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था, बट ये लिखा हुआ देखे तब समझ में आया। और देख रहे हैं अभी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप पहले का ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें देखेंगे इधर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, अभी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। हालांकि हमको लग रहा है शाम को भीड़ होगा, अभी तो थोड़ा बहुत धूप है ना इसलिए अभी भीड़ नहीं है। इस ब्लॉग को हम यहीं पे इन करते हैं, आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। दुबई बस में आप ट्रेवलिंग करते हैं ना, हर एक बस स्टॉप पर आपको 20-25 मिनट के लगभग में बस मिल जाएगी।